हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये जो फिलिप्स कंपनी का एक अल्ट्रा स्लिम पीसीबी है, ये पीसीबी का जो फर्स्ट एक प्रॉब्लम था कि ये जो डाइवर सप्लाई रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ओवरहीट प्रॉब्लम और डाइवर सप्लाई ड्रॉप हो जाता है, तो इस तरह ही इसका प्रॉब्लम था। तो ये मैं रिपेयर करके देखा है एक वीडियो में, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देगा, वो आप देख सकते हो। तो ये डाइवर सप्लाई रेजिस्टेंस हिट होने का जो रीजन बहुत कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट बात है वो वीडियो में कि ये ट्रांजिस्टर ये एक टेक्नीशियन चेंज किया तब भी इसका फॉल्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, और उसका बाद ये आईसी प्रोसेसर आईसी भी चेंज किया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो कर पाए। तो इसी के लिए मैं मेरा पास ये पीसीबी को भेजा है। जब मैं अच्छा करके देखा और देखने के बाद जो पता चला, आपको मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूँ कि इस तरह प्रॉब्लम खूब कम आता है। ठीक है, ये जो ड्राइवर सप्लाई आप देखिए, ये एक सप्लाई रेजिस्टेंस है ड्राइवर का, सॉरी ये ड्राइवर सप्लाई का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये ड्राइवर कॉइल है, और ये कॉइल का पास वोल्टेज आने के बाद ये ड्रॉप हो जाता है, और इसी का रीजन से ये रेजिस्टेंस ओवरहीट प्रॉब्लम देखा गया। ठीक है, और इसका जो फॉल्ट मिला, ये जो मेमोरी आईसी, ये मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन जो सप्लाई पिन होता है, ये सप्लाई वोल्टेज मिसिंग था, और ये जो सप्लाई वोल्टेज आता है यहाँ पर देखिए, दोनों सेम नंबर का ट्रांजिस्टर है, जो 181 आपको दिखाता हूँ, इस टाइप जो ट्रांजिस्टर C1815 का ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये पोजीशन पर दोनों सेम नंबर का ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का पिन से 5 वोल्ट ये मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन पर जाता है, और ये लाइन को अच्छा करके चेक करने के बाद जो पता चला, यहाँ पर एक डायोड था। ठीक है, ये पोजीशन आप देखिए, यहाँ पर एक डायोड है, और ये डायोड शॉर्ट मिला, जो वो वीडियो में आपको दिखाया। ठीक है, और इस टाइम में उसी टाइम आपको ये डायोड ओपन करके ये जो मेमोरी सप्लाई आपको दिखाया 5 वोल्ट का आसपास, और जब 5 वोल्ट यहाँ पर आ गया तो ये जो डाइवर सप्लाई रेजिस्टेंस जो ओवरहीट प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी टाइम जो प्रॉब्लम मिला कि ये जो पीसीबी 3 टाइम एलईडी ब्लिंकिंग प्रॉब्लम। दोस्तों, इस वीडियो में आपको और एक नॉलेज शेयर करूंगा कि आप देखिए, मैं सप्लाई देके आपको एक बार दिखाता हूँ, और उसी के साथ वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो मेरा पास एक HTC कंपनी का एक DM98 मॉडल का एक मीटर लेके आया, ये न्यू मीटर मैं लेके आया। ठीक है, ये मीटर से आपको चेक करके देखाऊंगा। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो देखिए, मैं सप्लाई दे दिया, और इसका इंडिकेटर अभी देखिए ऑन है। ठीक है, तो इसी टाइम आपको मेमोरी सप्लाई, जो मेमोरी पर जो सप्लाई जाता है ये पॉइंट से, ठीक है, ये डाट को मैं अभी ओपन करके रखा है क्योंकि शॉर्ट मिला, देखिए 5 वोल्ट का आसपास। ठीक है, और देखिए ये मेमोरी आईसी पर ये वोल्टेज जाता है। ठीक है, ये मेमोरी आईसी, और यहाँ पर ये वोल्टेज जाता है, आप देखिए 5 वोल्ट का आसपास। ठीक है, तो एक्चुअली एलजी चेसिस का और फिलिप्स चेसिस का ये पोजीशन पर 3.3 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। तो चलिए, ये पोजीशन पर एक रेजिस्टेंस लगा के देखूँगा, और वो वीडियो में मैं बताया कि यहाँ पर जरूर 5 वोल्ट का जेनर हो सकता है, तो मेमोरी बहुत कुछ मेमोरी पर 5 वोल्ट सप्लाई जाता है। तो चलिए एक 5 वोल्ट जेनर डायोड लगा के एक बार देखूंगा क्या रिजल्ट आता है। और उसका पहले देखिए, जो 3 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आप खुद देख लीजिए, मैं स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। देखिए, जब मैं स्टैंड बाई से ऑन किया, आप देखिए एक बार ब्लिंक, दो बार ब्लिंक, और ये देखिए 3 बार ब्लिंक होने के बाद ये स्टॉप हो जाता है, और दोबारा आप स्टैंड बाई से ऑन करेगा तो ऑन नहीं होगा। ठीक है, आपको मेन सप्लाई ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। चलिए मैं मेन सप्लाई ऑफ कर दिया, मेन सप्लाई ऑफ कर दिया, और ये लैम्प ऑफ हो जाने के बाद दोबारा मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। देखिए, मेन सप्लाई में ऑफ करने के बाद इसके इंडिकेटर ऑफ हो गया। चलिए मैं दोबारा सप्लाई देके दिखाता हूँ। देखिए, मैं सप्लाई दे दिया, और चलिए मैं स्टैंड बाई से दोबारा ऑन करता हूँ। एक बार ये देखिए, दो बार, और ये देखिए 3 बार ये ब्लिंक करने के बाद ये स्टैंड बाई मोड पर चला गया, और देखिए नेक्स्ट टाइम ये ऑन नहीं हो रहा है।
तो क्या करना पड़ेगा। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और ऑफ करने के बाद अब देखिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आपको लाइव ही दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए ये पोजीशन पर आपको एक जेनर डायोड लगा के देखूँगा, ठीक है। ये 3.3 वोल्ट का जेनर डायोड है, ठीक है। और मैं ट्राई करके देखा ये पोजीशन पर 5 वोल्ट का जेनर लगा के कि वो सेम ही प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं ये 3.3 वोल्ट का एक जेनर ये पॉइंट पर लगा के दिखाता हूँ। और दोस्तों एक बात आप ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है, ये जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट पॉइंट है, ये पॉइंट से वोल्टेज मेमोरी आईसी पर जाता है, ठीक है। और ये जो डायोड का नेगेटिव साइड है, एक्चुअली ये नेगेटिव का पूरा कनेक्ट नहीं है, ये एक अलग सा ये 18-15 ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन है, बीच में दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस को मैं चेक करके देखा है, ठीक है, ये ओके है। तो चलिए ये 3.3 रेजिस्टेंस मैं ऊपर से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये पोजीशन से और ये जो लाइन, ये कैपेसिटर पिन पर ही मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैं जेनर डायोड कनेक्ट किया, ठीक है। और इसी टाइम चलिए मैं सप्लाई देख के आपको देखाऊंगा, ठीक है, और वोल्टेज भी देखाऊंगा। आप ये पोजीशन एक बार अच्छा करके देख लीजिए, ठीक है। और पुराना जो शॉर्ट डायोड मिला, जो वो वीडियो में आपको देखा है मेजर करके, ये वो डायोड है और इसका नंबर कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं इसी टाइम सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर अभी ऑन हो गया है। और इसी टाइम ये लाइन का वोल्टेज अब देखिए थोड़ा कम हो गया, 3 पॉइंट प्रॉपर ये नहीं मिल रहा है, 4 वोल्ट का आसपास ये देखा जाता है, ठीक है, 4 वोल्ट का आसपास। और ये वोल्टेज जो जाता है मेमोरी आईसी पर, अब देखिए ये मेमोरी आईसी पर, ठीक है। और ये जो वोल्टेज ये प्रोसेसर आईसी का कुछ पिन पर जाता है, मान लो ये 32 और ये 33, ये पिन पर भी वोल्टेज, ये वोल्टेज ही जाता है। अब देखिए ये जो प्रोसेसर आईसी का 33 नंबर पिन, ये पिन पर ये वोल्टेज जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जब मैं स्टैंड बाई से ऑन कर दिया तो देखिए ये दोबारा ये जो 3 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया। तो चलिए ई एस टी भी ऑन हो गया, आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये 184 लाइन है, ठीक है, ये 184 लाइन है। यहाँ पर वोल्टेज देखिए, ये मीटर पर देखिए 144 वोल्ट ही आ गया, तो लग रहा है कि इसके ई एस टी ऑन हो गया है, ठीक है। और कि आपको देखाऊँगा, अब ड्राइवर सप्लाई आप देख सकते हो, ये जो ड्राइवर सप्लाई है यहाँ पर कितना वोल्ट मिला, देखिए 13 वोल्ट मिला, ठीक है, ये ड्राइवर सप्लाई है, ठीक है, ये ड्राइवर सप्लाई 13 वोल्ट है। और इसका आउटपुट पॉइंट पर भी वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये ड्राइवर का आउटपुट पॉइंट पर देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए, ये 12 वोल्ट मिला, ठीक है। आपको दोबारा दिखाता हूँ कि देखिए इसका ई एस टी सप्लाई आप एक बार देख लीजिए, इसका ई एस टी सप्लाई अभी इसका ई एस टी सप्लाई देखिए 115 वोल्ट इसका ई एस टी सप्लाई है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। तो आपका एक बार ई एस टी ऑन है कि नहीं है आपका एक बार कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ई एस टी अभी ऑन है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आपको देखा है वीडियो में, तो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक काट दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों एलजी चेसिस का 3 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम के ऊपर मैं 2-3 वीडियो बना के रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हो। तो दोस्तों ये फिलिप्स कंपनी का चेसिस है और ये सेम टाइप चेसिस वीडियो कॉन का अंदर दिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसका आईसी नंबर आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। और ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक काट दीजिए, और ये चैनल पर अपना आए तो प्लीज़ चैनल जरूर को सब्सक्राइब करके रखिए। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं वो ग्रुप लिंक देख के रखा है, ठीक है दोस्तों।